अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स का एरिया कैलकुलेट करने के लिए कि ये हमारे पास अगर मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स हो तो उसके ऊपर हम इस तरह का एरिया किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल वीडियो है, आपने मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले आपने एक टेबल इधर बना लेना है। टेबल आपने बनाना है, सबसे पहले स्ट्रिंग वाला कॉलम होएगा आपका, दूसरा उसके बाद नॉर्थिंग, उसके बाद एक्स वाई और उसके बाद वाई एक्स। एक्स वाई के अंदर हम एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई करेंगे और वाई एक्स के अंदर हम वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स करके और नीचे इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। तो आपने इधर सबसे पहले अपने नोट पैड के ऊपर स्ट्रिंग और इसी तरीके से जो पॉइंट्स आपके पास कोऑर्डिनेट्स के हैं, नॉर्थिंग स्ट्रिंग नॉर्थिंग, दोनों आपने इस कॉलम के अंदर लिख देने। लिखने के बाद आपने शुरू वाला पॉइंट इधर दोबारा लिख देना, जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये हमने स्टार्ट में इधर से स्टार्ट लिया था और पूरा हम इधर तक गए हैं। तो पहला पॉइंट हमारा था ये वाला 18144.795, तो ये आपने इसी तरीके से स्ट्रिंग और नॉर्थिंग को आपने एंड के ऊपर लिख के इसको क्लोज करना है। तो आपने इसी फॉर्मेट के ऊपर ये पूरा बना देना है। उसके बाद आपने इस टेबल के ऊपर आ जाना है और इधर से आपने एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई करना है। तो आपने कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है, एक्स की जो वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई वाई कर देना है, जो वैल्यू आएगी आपने इसके सामने इधर लिख देनी है। इसी तरीके से आपने दोबारा एक्स और मल्टीप्लाइड बाई वाई कर देना है और ये हमारे पास जो वैल्यू आती जाएगी आपने इधर एक्स और वाई के अंदर आपने लिखता जाना है। आपने इसी तरीके से कैलकुलेटर के ऊपर इसकी पूरी वर्किंग करनी है, कंप्लीट वर्किंग करनी है आपने। ये थोड़ा सा इजी प्रोग्राम है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है एरिया के मुतालिक। तो आपने इसी तरीके से एक्स और वाई के ऊपर ये कैलकुलेशन आपने कर लेनी है। इसके बाद इसी तरीके से दूसरी साइड के ऊपर, पहले हमने एक्स और वाई किया था, अभी आपने नॉर्थिंग और ईस्टिंग जो है वो उसको आपने इधर से उसको करना है। तो करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी आपने इधर लिख देना है। उसके बाद इसी तरीके से आपने y और x और इसी तरीके से जो जो सी वैल्यू आपके सामने आती जा रही है आप उसके ज़रिए इधर मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यूज़ को आपने इधर अपने नोट पैड के ऊपर नोट करते जाना है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, आपने कोऑर्डिनेट्स जितने भी एरिए के हैं तो आपने सारे इसको इधर इसी तरीके से बना देने हैं। उसके बाद ये जितनी हमारे पास x की वैल्यू आ रही है ये इन सबको आपस में आपने जमा कर लेना है। कैलकुलेटर को आपने ओपन कर लेना है, सबसे पहले पहले फिगर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ उसकी आई हैं इन सबको आपने जमा कर लेना है कैलकुलेटर को ओपन करना है और इनको आपने प्लस करते जाना है। प्लस करके जो वैल्यू आएगी आपने इधर उसका टोटल सम इधर आपने नीचे लिख देना है। इसी तरीके से आपने वाई और एक्स की जो वैल्यू है उसको भी आपने इसी तरीके से उसके बाद सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इन सबको आपने काउंट कर लेना है, आपने उसको प्लस कर लेना है। ये वैल्यूज़ को आपने इसी तरह कैलकुलेटर के ऊपर लिखते जाना है और इसको आपने प्लस करना है और जो आपके पास एंड के ऊपर रीडिंग आएगी वो आपने इधर नीचे इधर लिख देनी है। ये हमारे पास रीडिंग आ गई 41696894.82, तो ये आपने इधर कर देना है। तो उसके बाद हमारे पास एरिया का फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू एक्स माइनस टू और डिवाइडेड बाय टू। एक्स कौन सा हमारे पास, एक्स हमारे पास ये वाला है और वाई हमारे पास ये वाली वैल्यू है। तो आपने इन दोनों को आपस में माइनस करना है और डिवाइडेड बाई टू कर देंगे तो हमारे पास इधर उसकी वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर को ओपन करना है, आपने सबसे पहले जो एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास वाई एक्स वाई वाले कालम की वो लिखनी है। उसके बाद वाई एक्स वाले कालम की वैल्यू को लिख के उसकी ब्रैकेट क्लोज कर दें, इज इक्वल टू करके और डिवाइडेड बाई टू कर दें। टू करेंगे तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा 255.24.356, जो आप ये देख रहे हैं कि इधर हमारे पास एरिया लिखा हुआ है। ये अगर आपके पास एरिया माइनस में आता है तो आपने इसके माइनस के साइन को ख़त्म कर देना है, एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी आपने लिखनी है। तो आपने इसी तरीके से ये सारा एरिया कैलकुलेट कर लेना है जो जो सा भी है। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से जो लैंड एरिया आया था वो 225.24.356 स्क्वायर मीटर आया था। ये मीटर और फिट्स जो भी कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं वो सेम टू सेम इसी तरह आएगा। आपके कोऑर्डिनेट्स फिट्स में हैं तो ये एरिया आपके पास स्क्वायर फीट के अंदर आएगा, मीटर्स में हैं तो आपके पास एरिया स्क्वायर मीटर के अंदर आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़।